आगामी चुनावों को लेकर सभी पार्टियों का मंथन जारी है, उम्मीदवारों की सूची को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। तो कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस ने भी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सूची को लेकर बुधवार को बैठक की। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर बुधवार शाम मीटिंग हुई, जिसमें जातिवार समीकरण की को ध्यान में रखकर लिस्ट तैयार की गई। वहीं राजस्थान कांग्रेस के भी उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार हो चुकी है, जो आज जारी की जा सकती है। तो लगातार इंतजार किया जा रहा है राजस्थान की कांग्रेस की लिस्ट का। वहीं राजस्थान चुनावों से पहले कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है, सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिल रही है, राज्य के तीन बड़े नेताओं के टिकट खतरे में हैं। माना यह जा रहा है कि ये वो नेता हैं जिनकी वजह से 25 सितंबर 2022 को राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई थी, और इन नेताओं को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने तीखे तेवर दिखाए, जिसके बाद अब इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन नेताओं की टिकट कटना तय है। बीते साल 25 सितंबर 2022 को आलाकमान के निर्देश पर जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई गई। इस दौरान सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहते पर्यवेक्षकों को बिना बैठक के वापस आना पड़ा था। बैठक न हो पाने के कारण इसको लेकर चर्चा हुई, और साथ ही बैठक न हो पाने के लिए जिम्मेदार शांतिलाल धारीवाल, महेश जोशी और दर्जा प्राप्त मंत्री धर्मेंद्र राठौर थे। इसके बाद इन तीनों नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं अब महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर का टिकट तो स्क्रीनिंग कमेटी में ही का रह गया, लेकिन धारीवाल का नाम स्क्रीनिंग कमेटी ने गहलोत के विशेष अनुरोध पर केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के रुख से साफ है कि तीनों नेताओं को टिकट मिलना इस बार बेहद मुश्किल लगता है। हालांकि इंतजार आज उस वक्त का जब कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नामों को अनाउंस किया जाएगा। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने नई बहस को जन्म दे दिया है। दरअसल कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा में 3 पब्लिक मीटिंग्स की, वहां कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव उम्मीदवारों को जिताने के लिए नहीं, बल्कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हो रहा है। इसके बाद सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए और पूछा, कांग्रेस आखिर है किसकी? छिंदवाड़ा के 6 सीटों की घोषणा मैं करूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से मेरे छोटे भाई नीलेश दोबारा से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। कि ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये कोई प्रत्याशी का चुनाव नहीं है। वैसे तो सोहन भैया ही हमारे प्रत्याशी हैं, लेकिन आप सोहन भैया को वोट नहीं दे रहे, आप कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट देंगे। ये कांग्रेस का असली स्वरूप है, और कांग्रेस कितनी है मुझे यही समझ में नहीं आता। कांग्रेस की टिकट कहां तय हो रही? अभी ये भी कहा गया कि छिंदवाड़ा के टिकट पहले नकुलनाथ घोषित करेंगे, और नकुलनाथ के घोषित करने के बाद फिर दिल्ली से घोषित होंगे, और 2 टिकट उन्होंने घोषित भी कर दिए। क्या सोनिया गांधी की कांग्रेस अलग है, कमलनाथ की कांग्रेस अलग है, नकुलनाथ की कांग्रेस अलग है? कांग्रेस कितनी है, कांग्रेस कौन की है, और कांग्रेस क्या है, यह अब जनता जानना चाहती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।